जय जिनेन मित्रों, मैं वास्तुविद प्रयास मंगल आज सीहोर में श्री सौमित्र श्रीवास्तव जी के घर का वास्तु निरीक्षण करने के लिए आया हुआ हूँ। यह घर 20 साल पहले निर्मित किया गया है, लेकिन उसके बाद भी आज तक इस घर में किसी भी प्रकार की सफलता हासिल नहीं हुई। उसका मुख्य कारण जब ज्ञात हुआ तब इसमें भूमिगत दोष पाए गए। ओरिएंटेशन वास्तु पूरा वास्तु के अनुसार बना हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा दोष जो होता है वह होता है भूमि का। भूमि आपकी कैसी है? भूमि बाधित है, शापित है, नेगेटिव है, शल्य है, हड्डी है, कंकाल है, योग्य है, अयोग्य है? भूमि को पहचानने का नाम वास्तु है। इनकी जिस सर की कुंडली में आप देखिए, चौथे घर में सूर्य और बुध बैठे हुए हैं जो बुधादित्य योग बन रहा है। लग्न में चंद्रमा बैठा है, सप्तम घर में मंगल बैठा है जो आमने सामने लक्ष्मी योग बना रहे हैं। उसके बाद भी आज तक सर को घर में किसी भी सदस्य को किसी भी प्रकार की कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। क्यों? क्योंकि भूमिगत दोष है। कृपया करके सर आप सभी का मार्गदर्शन करिए कि इस घर में आने के बाद आपको क्या क्या असफलताएं हासिल हुई हैं। इस घर में आने के बाद हमें किसी भी उसमें सफलता नहीं मिली। कितने भी प्रयास करें सर्विस के लिए, इसके लिए, रोजगार के लिए, धंधे के लिए, पर क्योंकि भूमि में दोष था इस वजह से हमें सफलता नहीं मिली। कुंडली में तो काफ़ी अच्छे योग थे, तो उसके अनुरूप कुंडली के अनुरूप फल नहीं मिला हमें, क्योंकि जमीन का दोष जब तक दूर ना होता तो हम कहाँ तक सफल होते, ये हमें जानकारी भी नहीं थी। और इतनी अच्छी कुंडली होने के बाद भी हम अपने अच्छे अवसरों को काफ़ी हद तक खो चुके हैं। अब इसी प्रयास में सर से मुलाकात हो रही है। इसलिए मित्रों, कभी भी जैसे एक इंसान का भाग्य उसकी कुंडली होती है, उसी प्रकार उस घर का भाग्य उसकी भूमि होती है। जब भूमि अच्छी होती है तो उस भूमि पर रहने वाले या उस भूमि पर बनने वाले बिल्डिंग बहुत सकारात्मक परिणाम देती है। इसलिए आपने सर मुझे यहाँ बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी मित्रों का धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।